हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं मशीन वर्ल्ड। और दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने घर पे एक एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, एक एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बना सकते हैं विद इन 50 to 80 rupees कॉस्ट। और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सॉकेट आते हैं जो महंगे भी होते हैं और कुछ मिडिल रेंज के भी होते हैं और कुछ लोकल भी आते हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और हाँ, जब भी आप इसे अपने घर पे बनाएं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, तो यार प्लीज़ कमेंट करके पूछ लो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी है, कोई मजाक नहीं। तो बनाने से पहले अगर समझ में आए तो ही बनाओ, नहीं तो करंट लग सकता बॉस। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इसे शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आप इसे अपने घर पे कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस टाइप का एक कैबिनेट खरीदना पड़ेगा जो आपको मार्केट में 20 to 30 rupees कॉस्ट में आसानी से मिल जाएगी। और ये सॉकेट, मैंने यहाँ 3 pin वाला सॉकेट लिया है, आप यहाँ 2 pin का भी सॉकेट ले सकते हैं। और ये स्विच, मैंने नया स्विच नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास पुराने स्विच थे, तो मैं इन पुराने स्विच का ही यहाँ यूज कर रहा हूँ। और ये कुछ वायर हैं इस बोर्ड के अंदर वायरिंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस बॉक्स को खोल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह बॉक्स खुल चुका है, अभी हम लोग सारे सॉकेट एंड स्विचेस को यहां लगा देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो 3 pin वाला सॉकेट है यहाँ लग नहीं रहा है। यहाँ जो बीच में लाइनिंग दिया है उसको हम लोग हटा देंगे ताकि यहाँ आसानी से सॉकेट फिट आ जाए, और इस तरह सारे सॉकेट को हम लोग लगा देंगे। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं यहाँ 3 pin वाले 3 socket को लगाने वाला हूँ जो एक ही स्विच से कंट्रोल होंगे, यानी ये तीनों जो सॉकेट है एक ही स्विच से कंट्रोल होंगे, ऑन या ऑफ। और ये जो कैबिनेट है, चूंकि तीनों सॉकेट के लिए परफेक्ट नहीं, यानी बनाया नहीं गया है, तो मैं यहाँ कुछ मैन्युअली होल कर देता हूँ ताकि ये 3 pin वाले तीनों सॉकेट यहाँ आसानी से फिट आ सके, इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। फिट आ चुका है तीन सॉकेट। अब दोस्तों, इसके जो सारे नट बोल्ट हैं, सभी नट बोल्ट को अपने अपने प्लेस पे लगा देंगे और सभी को अच्छी तरीके से कस लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, सारे सॉकेट और जो स्विच है अपनी अपनी जगह पे फिट हो चुके हैं। पूरा बोर्ड असेंबल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहां इंडिकेटर लाइट नहीं लगाया, और मैंने यहां एक स्विच लगाया और 3 socket लगाया, और तीनों सॉकेट जो है यहाँ पर एक ही स्विच से कंट्रोल होंगे। तो चलिए इसका वायरिंग करते हैं। और अगर आप यहाँ इंडिकेटर लाइट लगाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा इंडिकेटर लाइट को हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करता है, मीन्स उसमें जो 2 pin होता है, एक पिन यहाँ फेज आएगा और एक पिन यहाँ न्यूट्रल आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पीले वायर को लगाएंगे एज अ फेज मार के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट है, जो तीनों सॉकेट का जो इस साइड वाला पॉइंट है, हम लोग इस पीला वायर को तीनों पॉइंट के साथ एक ही साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मुझे इस वायर को जैसे यहाँ लगाना है, मैंने उस हिसाब से इस वायर में कट लगा लिया है। एक मैंने यहाँ कट लगाया और एक मैंने यहाँ कट लगाया। मैंने इस वायर को इसलिए लंबा रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो सॉकेट है इसमें 2 pin है, दोनों पिनों को मुझे एक साथ जोड़ना है, इसलिए मैंने यहाँ इसे लंबा रखा है। और ये जो लास्ट वाला कट है, इसको भी मैंने थोड़ा लंबा रखा है, क्योंकि ये इस पिन के साथ कनेक्ट होकर इस स्विच के इस पिन के साथ ये कनेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वायर को इन सभी सॉकेट के पिनों के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
दोस्तों ये जो फेज वायर है इसको मैंने यहाँ सारे सॉकेट के राइट साइड के पिन के साथ कनेक्ट किया है, आप ध्यान से देख सकते हैं, और मैंने स्विच के साथ कनेक्ट किया है। यानी जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो तीनों सॉकेट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो रेस्ट पिन है उसके साथ हम लोग न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे जो यहाँ डायरेक्ट होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फिर से सेम जो ब्लैक वायर है हम लोग इस ब्लैक वायर में उसी हिसाब से कट लगाएंगे जैसे हम लोग को यहाँ इस वायर को इन तीनों सॉकेट के पिनों के साथ कनेक्ट करना है। चूंकि हम लोग इस वायर को यहाँ तीनों सॉकेट के लेफ्ट पिन के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से मैंने यहाँ कट लगा दिया है, और ये जो है न्यूट्रल वायर होगा यहाँ पर जो डायरेक्ट वायर होगा। तो चलिए इस वायर को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इस स्विच बोर्ड पे। अब दोस्तों यहाँ एक होल बना लेंगे ताकि इसके वायर को हम लोग यहाँ से निकाल सके। इस तरह से यहाँ एक गांठ लगा देंगे ताकि ये वायर बाहर निकले नहीं, ठीक है। अब दोस्तों जो ये फिला वायर है इस फिले वायर को हम लोग जो यह जो स्विच का दूसरा नंबर पिन है इसके साथ इस फिले वायर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो यहाँ ब्लैक वायर है जो यहाँ एज ए न्यूट्रल वर्क कर रहा है, जो डायरेक्ट वायर है, इस डायरेक्ट वायर को मीन्स ये ब्लैक वायर को हम लोग जो सॉकेट में हम लोग जो ब्लैक वायर लगाए हुए हैं उन तीनों सॉकेट में किसी भी सॉकेट में जहाँ ब्लैक वायर जिस पिन में लगा हुआ है उस पिन के साथ इस ब्लैक वायर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने इस बोर्ड को अच्छी तरीके से पूरा वायरिंग कर लिया है। दोस्तों आप यहाँ जो पीला वायर को देख सकते हैं जो यहाँ इस स्विच के साथ कनेक्ट है, मैंने यहाँ इस स्विच के साथ इसको कनेक्ट किया है। यहाँ जैसे यहाँ ये वायर फेज वायर यूज़ हो रहा है, मैंने सारे सॉकेट के राइट पिन के साथ इस पीले वायर को कनेक्ट किया है, आप ध्यान से यहाँ देख सकते हो। और ये जो वायर है इस स्विच के साथ कनेक्ट है, और देन इस स्विच का जो सेकेंड नंबर पिन है ये वायर बाहर जा रहा है, और जो ये ब्लैक वाला वायर है यहाँ पर एज ए न्यूट्रल वर्क कर रहा है, और ये सारे सॉकेट के लेफ्ट वाले पिन के साथ कनेक्ट है, और जो यहाँ पर डायरेक्ट है। तो जो पीला वाला वायर है स्विच के साथ कनेक्ट है, जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो इस पीला वाला वायर जो है सर्किट को क्लोज कर देता है और इन तीनों सॉकेट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। इस तरह से ये एक्सटेंशन बोर्ड काम करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक्सटेंशन बोर्ड वर्क कर रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।